अंग्रेजी की उस कहावत से आप सभी वाकिफ होंगे, दैट एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। अमूमन जब हम कोई बिजनेस या स्टार्टअप प्लान करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की मार हमारे दिमाग में सबसे पहले पड़ती है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने ये सब कुछ कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया और मात्र 1500 रुपए की लागत से अपने डिब्बे बनाने की कंपनी की शुरुआत की और आज उनका सालाना टर्नओवर करोड़ों का है। आज के जिंदगी वित्रचा के इस एपिसोड में आइए मिलते हैं डिब्बे वाली दीदी संगीता से। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका आज के इस एपिसोड में। आपसे जानना चाहूंगी कि जहाँ एक तरफ हम अक्सर सोचते हैं कि छोटे से पैसे से कैसे कोई काम शुरू कर पाएंगे, आपने 1500 रुपए, कैसी हिम्मत कैसे हुई कि लाओ 1500 रुपए से इस काम को शुरू करते हैं? 1500 रुपए तो आज के समय में कुछ नहीं है, बच्चे जेब में लेके जाते हैं और खर्च करके आ जाते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में मैंने काम शुरू किया था उस समय मेरे पास 1500 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हम लोगों का जो फाइनेंशियल है उसमें मैं अपने पति को हमेशा परेशान देखती थी, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि क्यों ना मैं अपने घर परिवार को देखते हुए कुछ ना कुछ करूं। मतलब नौकरी की तलाश में आप निकली थी एक तरीके से देखा जाए। संगीता जी, डिब्बे का चयन आपने कैसे किया कि चलो डिब्बे बनाने की शुरुआत करते हैं? तो मैं यूं ही घूमते हुए गई तो मैंने दुकान पे मिठाई के डिब्बे देखे, तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये डिब्बा अपने घर पर ही बनाऊं, जिससे मैं अपने बच्चों को भी देख लूंगी और इससे 2 पैसे आएंगे, मेरे परिवार का भरण पोषण भी होगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, ये कैसे बनता है। मेरे पास एक रेंजर साइकिल थी और मेरे पास पैसे की भी थोड़ी दिक्कत थी, मैं उस रेंजर साइकिल से अपने बच्चे को खिला पिला के 11 बजे निकल जाती और पूरे मार्केट में घूमती। मैंने पहले तो रॉ मटेरियल पता किया और जब मुझे रॉ मटेरियल पता चला तो मैं 1500 रुपए का सामान पहली बार अपने साइकिल रेंजर साइकिल पे पीछे बांध के और मैं ले आई थी और मैंने सामान तो ला दिया। अब ये था कि मैं डिब्बों को कैसे तैयार करूँ। मैंने प्रयास करके 8 घंटे में 100 डिब्बे तैयार किए थे। तो पहला ऑर्डर आपको कहाँ से आया और कैसा महसूस हुआ था? मैं झोले में सैंपल लेके 50-50 किलोमीटर साइकिल से घूमती रहती थी दुकानों पे। मेरे पहले कस्टमर भगत पनीर करके एक दुकान है और वो पहली बार मेरे से 850 का सामान ले गए थे। ये सफर आपने अकेले शुरू किया था संगीता जी, इस समय आपके साथ कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? इस समय तो मेरे पास करीबन 150 महिलाएं काम कर रही हैं और मैं चाहती भी हूँ कि और अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार दूँ। कभी ऐसा समय आया संगीता जी कि लगा कि मेरा काम बंद हो जाएगा या चल नहीं पाएगा, ऐसी कभी कोई स्थिति या ऐसी कोई घटना अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें? नहीं, ऐसा मुझे कई बार लगा। जब सीजन के टाइम में मेरे पास स्टॉक बहुत हो जाते थे और मुझे ऑर्डर नहीं मिलते थे स्टार्टिंग के दिनों में। 1500 रुपए की लागत से काम शुरू हुआ था, आज के समय में कितना लगभग टर्नओवर चला जाता होगा आपका? 100 से करोड़ तक का सफर तो मैंने तय कर लिया। बहुत अच्छी बात। ये मुझे भी नहीं पता चला और मुझे आज भी एहसास नहीं होता है कि मैं करोड़ों का टर्नओवर कर रही हूँ। अभी इस समय कितने जिलों में आपके डिब्बे पहुंच पाते हैं, जरा इसके बारे में हमको बताएं। अभी तो करीबन 15-16 जिलों में मेरा माल जाता है, लखनऊ, इधर टांडा, इधर बिहार, बिहार में सिवान, गोपालगंज, छपरा, मैरमा और बाकी इधर गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, और मैं विदेशों तक भी माल सप्लाई करती हूँ। क्या कभी घर से आपने इस काम को शुरू किया था और आज हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे चारों तरफ मिठाई के डिब्बे हैं, हर तरफ जहाँ पे भी आप पैर रखिए वहाँ पे मिठाई के डिब्बे हैं, ऐसा क्या सोचा था आपने कि ये भी समय आएगा, ये भी आप देखोगे, ऐसा कुछ तय किया था आपने कभी भी? मैंने इतना बड़ा तो अपने काम को नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया
तो मैंने कुछ बड़ा जरूर सोचा था, लेकिन सोच बड़ी करने के लिए इरादे भी बहुत मजबूत होने चाहिए। मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति काम करता है पहले वो अपने आप को साबित करे, और जब आप अपने आप को साबित करते हैं तो बैंक भी आपको लोन देता है, सरकार भी आपका सपोर्ट करता है, और परिवार भी आपका सपोर्ट करता है। आप ये जान लीजिए, परिवार का भी व्यक्ति बिना वजह कोई भी घर से मेरा ही बच्चा मांगे तो मैं पैसा जल्दी नहीं देती हूँ। गोरखपुर रत्न से सम्मानित ये थी कहानी संगीता पांडे की। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी देश की लाखों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लाएगी। बुलंदियों को चूमने वाली संगीता पांडे की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।